हेलो क्लास, स्वागत है सभी का आज के सेशन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 में पहला सवाल। 4.1 हमने अच्छे से सीखा है यहाँ पर, अब एक एक सवाल को बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ मैं। पहला सवाल से हम स्टार्ट करेंगे। जिसने प्रीवियस क्लासेस नहीं अटेंड करी हैं, जाके कंप्लीट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। डेली 7:30 पर क्लास यहाँ पर अपलोड हो जाती है, जाके चेकआउट आप सभी लोग कर सकते हैं। कोई भी अपना डाउट हो वो यहाँ पर आप कमेंट करके बता सकते हैं, और लाइक जरूर करा करें, और वीडियो को बिना स्किप करे आप लोगों को देखना है, ताकि हर एक सवाल समझ में आ सके। ठीक है, चलो पहला सवाल हमारे सामने है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से इसका मतलब है हमारा मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमें फैक्टर बनाकर इसके क्या करने हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम टू रूट्स हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, नंबर ऑफ जीरोस, मैक्सिमम दो जीरोस हो सकते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, वैसे ही दो नंबर ऑफ रूट्स भी दो ही होंगे। पहला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन बराबर जीरो। सबसे बढ़िया स्टेप से आप लोगों को समझा रहा हूं क्या आप लोगों को करना है, जिसको नहीं आता ये सब चीजें। सबसे पहले पहले वाले टर्म को और लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर लीजिए साइन के साथ में, माइनस दस एक्स स्क्वायर। अब मेरा यहां से सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैसे, मुझे क्या करना है, ये जो बीच वाला माइनस थ्री एक्स है ना, इसको दो टर्म्स में स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है। ऐसे दो टर्म्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस दस एक्स स्क्वायर आ जाए, जोड़ने घटाने पर माइनस का तीन एक्स आ जाए। ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं भाई, माइनस का पांच एक्स ले सकता हूं, प्लस का दो एक्स ले सकता हूं, प्लस माइनस करूंगा तो माइनस थ्री एक्स आएगा, मल्टीप्लाई में अगर यहां से करूंगा तो इसका हमारे पास आएगा ये माइनस दस एक्स स्क्वायर। तो अब यहां से देखिए मैंने क्या किया, माइनस तीन एक्स की जगह मैं ये लिख रहा हूं, माइनस का पांच एक्स प्लस का दो एक्स माइनस का दस बराबर जीरो। यहां से एक्स को कॉमन लो, एक्स माइनस फाइव आएगा, प्लस को टू कॉमन लेंगे, एक्स माइनस फाइव आएगा बराबर जीरो। दो यहां से रूट्स हमें मिलेंगे, फैक्टर्स मिलेंगे। कैसे, इस पूरे के अंदर है ना एक्स माइनस फाइव कॉमन है और यहां पर एक्स प्लस टू कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बच गया, एक्स माइनस फाइव आ गया और एक्स प्लस में टू आ गया बराबर जीरो। अब दो रूट्स हमें निकालने हैं, तो बारी बारी से दोनों को जीरो के इक्वल रखो और रूट्स आप फाइंड कर सकते हैं। एक हमारा एक्स प्लस टू बराबर जीरो है, तो एक्स बराबर माइनस टू आ जाएगा। तो पहला सवाल बिल्कुल आसानी से हो गया, स्टेप्स को ध्यान में रखना है। स्टेप नंबर वन है, यहां से स्टेप नंबर टू स्टार्ट हो रही है। ठीक है, किसी का कहीं भी किसी सवाल में डाउट है तो वो उसी सवाल में पॉइंट आउट करके मुझे बताएगा कि सर इस सवाल में हमसे नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। सेम वही स्टेप नंबर वन हमारी क्या रहने वाली है यहां पर, कि मैं फर्स्ट वन यानी कि टू एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करने वाला हूं माइनस सिक्स से। कितना मेरे पास आएगा, बारह एक्स स्क्वायर माइनस का आएगा। ठीक है, स्टेप नंबर टू सेम वही जो पिछले सवाल में हमने करी है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो है। इसको हमें ब्रेक करना है, दो ऐसे टर्म्स में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर माइनस बारह एक्स स्क्वायर आए, जोड़ने घटाने पर प्लस का एक्स आए। वो कब पॉसिबल है भाई, बारह के फैक्टर में क्या कर सकता हूं, फोर और थ्री कर सकता हूं। अरेंज हमें अपने हिसाब से करना है, मतलब प्लस का फोर एक्स ले सकता हूं, मैं माइनस का थ्री एक्स ले सकता हूं। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बारह एक्स स्क्वायर आएगा, जोड़ोगे घटाओगे तो प्लस का एक्स आएगा। अब आगे कर लेता हूं मैं, क्या करूंगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जगह मैं ये दो चीजें लिख सकता हूं, यानी कि प्लस का फोर एक्स माइनस का थ्री एक्स माइनस सिक्स बराबर जीरो। इन दोनों में से कॉमन निकाल लो, इन दोनों में से निकाल लो। यहां से 2x कॉमन हो गया तो x प्लस टू आ गया, माइनस थ्री कॉमन हो गया तो x प्लस में टू हमारे पास आ गया बराबर जीरो। तो यहां से पूरे में से भी कॉमन निकलेगा x प्लस में टू, ताकि हमारे पास बचेगा 2x माइनस थ्री बराबर जीरो। तो एक तो मेरे पास आ गया x प्लस टू बराबर जीरो, x की वैल्यू माइनस टू, एक मेरे पास आ गया 2x माइनस थ्री बराबर जीरो, 2x बराबर थ्री और x बराबर तीन बटे दो। सिंपल सिंपल सवाल। ठीक है, पहला सवाल हमने करा बहुत अच्छे से, हमने करा दूसरा सवाल बहुत अच्छे से करा, इन्हीं सवालों को समझने की जरूरत है। अभी क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं इसके अंदर सारे बच्चे। ये स्क्वायर रूट वाले सवाल है, इसको देखकर डरना नहीं है कि सर ये स्क्वायर रूट आ गया मैं कैसे करूंगा। बड़े सिंपल है ये सवाल, स्टेप हमारी सेम रहेंगी। स्टेप नंबर वन, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, इस वाले से, फाइव अंडर रूट। क्या मेरे पास आएगा भाई, स्क्वायर रूट ऑफ टू और स्क्वायर रूट ऑफ टू पूरा टू बना देंगे, पांच दूनी दस एक्स स्क्वायर हमारे पास चाहिए हमें मल्टीप्लाई में। स्टेप नंबर टू लेके चल लो, हो गया ना सिंपल सवाल। स्टेप नंबर टू हमारा होता है टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव अंडर रूट टू बराबर जीरो। इसको दो टर्म्स में हमें ब्रेक करना है, कौन से दो टर्म्स होने चाहिए,
जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो स्टेप नंबर वन आ जाए और उनको जोड़ने घटाने पर 7x आए, तो मैं सीधा सीधा कर सकता हूं 5x और 2x। अब इसको मैं यहां लिख लेता हूं, यहीं पर लिख लेते हैं, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए, 5 को 5 के साथ ले लेंगे और 2 को 2 के साथ ले लेंगे, प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ में 2x कॉमन ले सकता हूं पूरा, तो यहां पर तो x बचेगा और यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचेगा, क्योंकि एक जो रूट जो हमारा 2 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है, तो एक अंडर रूट चला गया तो अंडर रूट में बचेगा। सेम प्लस मैं यहां से क्या करता हूं 5 ले लेता हूं, तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास यहां से बचेगा x प्लस में अंडर रूट 2 बराबर 0। अब पूरे में से ये कॉमन आ जाएगा क्या, x प्लस अंडर रूट, तो क्या बचेगा मेरे पास, अंडर रूट 2x प्लस में 5 बराबर 0। दोनों को इक्वल रख लो बराबर 0 के, तो यहां से आंसर आएगा x माइनस अंडर रूट 2, यहां से हमारे पास आएगा 5 बराबर 0, अंडर रूट 2x बराबर माइनस 5, x बराबर माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 2, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। ऐसे ही आपको इस सवाल को भी निकालना है, ये भी बहुत प्यारा सवाल है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे 8 से क्या करके एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस में 1 बराबर 0। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही जो इक्वेशन बनेगी वो 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। यहां से आपको इस सवाल का सॉल्यूशन निकालना है और कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताना है। सभी बच्चे कमेंट करके जरूर करेंगे, इसको ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप सभी लोगों को क्या करना है, ट्राई करके मुझे कमेंट करके आंसर बताना है। जो भी आपके डाउट हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमसे नहीं हो पाया, बट मैं चाहता हूं कि सभी लोग ट्राई जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं। सभी लोगों को अगर ये सवाल समझ में आए हो तो लाइक करिएगा और शेयर सभी फ्रेंड्स से कर दीजिएगा। जय हिंद।